दिन चलते हैं, दिन बेइज्जती के दिन, जब बेइज्जती का दौर आता है ना बाहर, तो ऐसे तो मन में तो कलाकार के सिर्फ यही होता है, कोई खोट नहीं होती, बस लड़की का फ़ोन आए, मतलब मन खुश होता है ना, आर्टिस्ट और भी खिलता है, तो मन में तमन्ना थी, फ़ोन आ गया। हेलो, हाँ जी हेलो, सर आपके शो देखते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ें निकालते हैं आप, देखने में भी ठीक हैं, तो आप मिलना था आपको। मैं कहा जी मिलिए, कहाँ? घर ही आ जाओ। मैं कहा घर पे भाई साहब नहीं होंगे? भाई साहब ही बोल रहा हूँ। सभी का स्वागत है। आ रहे हैं हमारे फेवरेट राजू श्रीवास्तव। लो भैया, आज फिर हम आ गए, और समय बड़ी बात, आज फिर हम नहा के आए हैं। ये हमारी अम्मा बहुत अजीब हैं। अरे हमें टीवी नहीं देखने देती हैं, कई दिन बिगड़ जाओगे। वो जब चित्रहार आता था ना पहले, बोले वो हीरो हीरोइन लपका झपकी करते हैं, तुम ना देखो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहेगा, कई दिन बिगड़ जाओगे। अब इतने बड़े हो गए, अभी नहीं देखने दे रही हैं, अब कहाँ बिगड़ेंगे, कितने बिगड़ेंगे। हमें बिगड़ने वाली हर चीज पता है पूरी तरह। तो हमने टीवी के कलाकारों को बुलाया है जो आपको हंसाएंगे। सबसे पहले हम बुला रहे हैं जिनकी कॉमेडी में हंसते हैं गांव वाले और शहरी, वो ही आ रहे हैं सुदेश लहरी। और भैया सुदेश, आजकल तुम भी खूब टीवी पे आ रहे हो। ये इज्जत कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो आजकल? अरे तो क्या, पहले मैं रिक्शे पे आता था, पैदल आता था। तशरीफ, जोरदार तालियों पे सुदेश। थैंक यू, थैंक यू। और अब दूसरे टीवी के कलाकार को बुला रहा हूं जो लगाते हैं कॉमेडी में तड़का गर्मा गर्म। अब आपके सामने आ रहे हैं राजीव निगम। अब आ गए राजीव निगम, अब दूर हो जाएंगे सारे गम। अच्छा राजीव, पता है आज टीवी स्पेशल है। आज टीवी स्पेशल मेरे लिए आपने ये सब अरेंज किया है? हाँ, टीवी स्पेशल है क्योंकि मेरे लिए हो सकता है टीवी आज स्पेशल, आपके लिए तो स्पेशल नहीं होगा ना, आप तो डेली टीवी पे आते हो, कौन सा ऐसा टीवी जहाँ पे नहीं दिखाई पड़ते हो। तो जोरदार तालियों के बीच राजीव निगम को बिठाएंगे, थोड़ी देर में इनको उठाएंगे और इनके साथ हंसेंगे। आजकल रियलिटी शोज की टीवी में बाढ़ आई, जावेद अख्तर हर प्रोग्राम में जज बने बैठे हैं। इतने रियलिटी शोज आ रहे हैं, सब में जज बने बैठे हैं, नाच गाने के प्रोग्राम हो, हंसाने के प्रोग्राम हो, वहां सब जगह जावेद अख्तर साहब बैठे हुए हैं। कई बार तो इनको खुद पता नहीं होता मैं किस शो में आया हूं। अब पता चला ये आइडियल आइडियल भी कर रहे हैं, सच बलिए भी कर रहे हैं, कॉमेडी चैलेंज भी कर रहे हैं, वहाँ भी हैं, मिशन उस्ताद में भी हैं, हर जगह घुसे हुए हैं। अब सच बलिए में बैठे हैं, डांस देख रहे हैं, जावेद साहब डांस जैसे ही खत्म हुआ, भाई आपकी जबान साफ नहीं थी, आपके जो तलफ्फुज़ थे उस तलफ्फुज़ में तलफ्फुज़
जो थी वो फुसफुस हो रहे थे। कॉमेडी शो में बैठे हुए जावेद साहब वहां बोल रहे हैं, भाई आपने जो अभी डांस किया है तो आपकी बॉडी में लचक नहीं है और उतना ग्रेस नहीं, और 16 चक्कर की मात्रा आपकी 15.5 में खत्म हो गई। आप इसको सही कीजिए, उसके बाद जनाब इसमें कुछ हो सकता है। और इतने कंफ्यूज, अड़ियल आइडल के सेट पे सच बलिए के चेक मांग रहे हैं, भाई हमारा 2 एपिसोड का बैलेंस है वो करा दीजिए। बोले सर इसका तो मिल गया आपको। अच्छा अच्छा, तो मिशन उस्ताद का बाकी है शायद। तभी एक मैनेजर चेक लेके आ गया सेट पे, जावेद साहब ये आपका बाकी का पेमेंट, आपका चेक। ये अड़ियल आइडल का है? जी नहीं। सच बलिए का है? जी नहीं। ये कॉमेडी चैलेंज का होगा? जी नहीं। मिशन उस्ताद का होगा? जी नहीं। ये सर सिप्पी साहब ने भेजा, आपका शोले का पेमेंट बाकी है। और आजकल नाच गाने के प्रोग्राम ऐसे जबरदस्त चल रहे हैं टेलीविजन में, ऐसा लग रहा पूरे देश में सब बच्चों ने पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी। अब कोई डॉक्टर वॉक्टर बनना नहीं चाहता, इंजीनियर बनना नहीं चाहता, बस गाना गवाओ, बच्चों को जगा जगा कर उठो गाना गाओ, चल बेटा उठ जा। अच्छा पापा कौन सा सुनाऊं? छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, उनका बचपना खो दिया माँ बाप ने, उनको मिट्टी में खेलने नहीं दे रहे, क्रिकेट खेलने नहीं, गिल्ली डंडा नहीं खेलने दे रहे, कंचा गोटी खेलने नहीं दे रहे, गाना गाओ डांस करो, खड़े हो चल डांस कर दे, अच्छा बैठ जा। किसी प्रोग्राम में चले जाइए, एनुअल डे में चले जाओ, किसी स्कूल का एनुअल डे हो ना, आप देखो प्रिंसिपल सामने बैठे होंगे विंग में साइड से, ये बच्चों की मम्मियां, करो 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 बेटा करो, हाँ करो बेटा, हाँ करो बेटा करो, करो। बच्चा बच्चा विंग में पीछे, और जो अनाउंसर है उस शो का जो एंकर है, तो ये डांस अभी थोड़ी देर बाद होगा, तब तक हम लोग यहाँ पे इंटरवल ले लेते हैं। और आपने देखा होगा किसी चैनल में, हर चैनल में नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है ज़बरदस्त, इसके जो कंटेस्टेंट आते हैं ऑडिशन के लिए, गांव गांव से बेचारे रेलवे स्टेशन में सो जाते हैं न्यूज़पेपर बिछा के, उसका लाइन लगते हैं बगैर खाना खाए बगैर पिए लाइन में लगे हुए, उनको मिलना है जजेस से मिलना है सिलेक्शन, बेचारे वहीं गाना रिक्शा वाले चुब्बे सड़क पे रिहर्सल कर रहा है, वहाँ रिहर्सल कर रहा है, कहीं चाय पे रहे चाय दे दो भाई, अभी मेरा नंबर नहीं आया यार, अभी कितने मेरे आगे 250 के बाद मेरा नंबर, चाय दे दो भाई, चाय वाले गाना सुनेगा, गाना सुनेगा, गाना सुन लेकर यही मैं अंदर सुनाने वाला हूँ, मेरी रिहर्सल हो जाएगी, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, चाय वाला चल पैसा निकाल। वाह, माँ बाप भाई बहन बेचारे परेशान, बच्चों को सजा के लाएं, बच्चों कैसे नहीं दूल्हे को जैसे सजा के लाते हैं, बस तुम ही हो बेटा, सिलेक्शन करवा लेना अपना, तुम्हारे ऊपर पूरा खानदान है, तुम्हारा सिलेक्शन। हाँ माता जी, अम्मा आज मेरा सिलेक्शन होगा और गाना गा के फाड़ दूंगा, मैं घुस जाऊंगा, तंबू फाड़ दूंगा, बांबू निकाल लूंगा। अब एक आया अंदर आया, अब जजेस बैठे हुए हैं, यस भाई भेजिए, हाँ जी आइए, नमस्ते नमस्ते आदाब, आ गए हम, सोचा था आएंगे तो बस आ गए,
हमें ये सब मत कीजिए, आप शुरू कीजिए, शुरू कर दीजिए। मलिक क्या दे तेरे को आते हैं, शुरू हो जाए। मैं किशोर कुमार का गाऊं कि मतलब रफ़ी गाऊं, क्योंकि किशोर कुमार का मतलब मुझे गाना ज़्यादा जमता है, और किशोर कुमार के हिसाब से मतलब देखने जाएंगे तो वो हिसाब से मुकेश बोलेंगे तो दर्द भरे गाने मुकेश गाते, तो मेरे पूरे तैयारी है, मेरे घर में तो मुकेश के गाने की किताब भी है। भाई आप गाइए जो गा सकते हैं गाइए, उसमें आप भी जो करें अच्छी बात नहीं है। आप गाने के लिए आए, गाना गाइए, आप तो पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं हम लोगों को, गाइए। हाँ मतलब आपका गाना मैं नहीं गा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा भड़क रहे हो हिसाब से। मलिक मलिक बोले तू किधर से आए थे अभी? उधर से आए थे ना, उधर से निकल जा, बहुत तेज निकल, चल चल निकल जा। भाई इतनी बदतमीजी से ना कहें, सिंगर हैं, बच्चे हैं नए नए, बेटा भाग जाने बहुत मारूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हंसी का सिलसिला जारी रखने आ रहे हैं हमारे आज के पहले मेहमान। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सुदेश लेरी। कई बार लोगों के फोन आते हैं, फैन, बड़ी खुशी होती है, कई बार दुख भी होता है। एक फोन आया, हेलो लेरी साहब, हाय हाय हाय, वो मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, ये कमाल है जी, आपके शो बड़े देखते हैं, तो मैं एक शो करवा रहा हूँ जिसमें अपना सोनू निगम, अपने टोपी वाले भाई साहब और मतलब गुरदास, बड़े सिंगर बढ़िया आ रहे, तो मैं सोचा भी क्यों ना कि कॉमेडियन भी बुलाना है तो कोई अच्छा ही बुलाए। मैं कहा जी शुक्रिया, तो नंबर है राजू श्रीवास्तव का आपके पास? ये ना दिन चलते हैं, दिन बेइज्जती के दिन, जब बेइज्जती का दौर आता है ना बाहर, तो ऐसे तो मन में तो कलाकार के सिर्फ यही होता है, कोई खोट नहीं होती, बस लड़की का फ़ोन आए, मतलब मन खुश होता है ना, आर्टिस्ट और भी खिलता है, तो मन में तमन्ना थी, फ़ोन आ गया। हेलो, हाँ जी हेलो, सर आपके शो देखते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ें निकालते हैं आप, देखने में भी ठीक हैं, तो आप मिलना था आपको। मैं कहा जी मिलिए, कहाँ? घर ही आ जाओ। मैं कहा घर पर भाई साहब नहीं होंगे? भाई साहब ही बोल रहा हूँ। इनको देख के मुझे याद आया कि ऐसे ही हमारा एक शो है रियलिटी, उनकी मैं नाम नहीं ले सकता उनका, बड़ी लड़की बहुत अच्छी है। तो एक दिन ऐसे ही शो चल रहा था, उनकी मम्मी बाहर आ गए, बेटा अंदर जो एंकर है ना वो मेरी बेटी है। मैं कहा जी फिर तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तू बेटा तू ना ध्यान रख, जो अंदर बैठे हैं ध्यान रखने के लिए ही है, तू चिंता ना लगा। मैं कहा आप यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं? बेटे मेरा दिल नहीं करता अंदर जाने को, उसको समझा मेरी बेटी को, इतनी इतनी जो स्कर्ट पहन के आती मुझे पता कितनी शर्म आती। मैं कह ये काम है उनका तो वो पहनेगी। बेटे पहने अपनी पहने, मेरी क्यों पहन के आ जाती? लोग हमें समझते हैं ऑडियंस कई बार कि हम हर वक्त एक्टिंग करते हैं, हम एक्टिंग नहीं, हम भी सीरियस होते हैं, दुख तकलीफें जैसे आपको हमें भी होती हैं, लेकिन समझते नहीं। एक बार मेरा दोस्त है लक्की, मैं उसके पास गया 500 रुपये उधार लेने, वो समझते नहीं, इतने घर के हालात, मैं इतना दुखी। मैं कह यार एक 500 रुपया होगी शुरू एक्टिंग। ये एक्टिंग ना तो स्टेज पे किया कर, टीवी पे किया कर, ऐसे नहीं। मैं कह नहीं यार मैं सच्ची कह रहा हूँ मुझे बहुत, और जा भाई जा एक्टिंग ना कर जा। मैं समझ गया अभी नहीं समझेगा फिल्म, मैं घर आ गया, घर आया मेरी बीवी बिल्लो, पैसे लाए हो? मैंने पैसे नहीं मिले। एक्टिंग ना करो, पैसे निकालो। ये टीवी पे भी क्या करो एक्टिंग, मैं बताऊँ आपको, मैं थप्पड़ मार देना एक्टिंग। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं मिला। हाँ ये फिर एक्टिंग, पैसे दो। मैं कह रही हूँ मेरा गुस्सा आ गया, मैंने उधर से थार थार आ जाता गुस्सा, ये थोड़ी कलाकार है तो इंसान तो है ना, अंदर गुस्सा आ गया मेरे को। उधर से उसकी माँ, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मेरी बेटी का मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया उसका, है क्या कह
मैं क्या पूछ इसको कि क्यों मार खाई, पूछ इसको, बता क्या हुआ था, बता क्या बताऊंगा, रोटी खाते एक्टिंग, चाय पीते एक्टिंग, सोचा था रात को वहां भी एक्टिंग, वो भी एक के एंगल की, क्या फायदा मुझे, आते ही सो जाता बंदा, मुझे रात को तू एक्टिंग करनी, शक्ति कपूर की कर, मुझे भी कोई फायदा हो। लोग सोचते हैं एक्टिंग, कहते टीवी पे बातें करनी भी, क्या बंदा बातें करे, ऐसे मैं सोचता सो गया और रात को सपना है कि टीवी बातें कर रहे हैं। एक मैकेनिक की दुकान पे पुराने पुराने टीवी पड़े हुए हैं, तो वो बातें कर, सपने में कुछ भी हो सकता है। तो एक टीवी को मैंने पूछा, हेलो आप कौन हो? टीवी पहचाना नहीं मुझे? मैं कह नहीं, मैंने आपको पहचान लिया, सुदेश लहरी ना, सुदेश लहरी। मैं कहा हाँ, आपने? हाँ आपके बड़े शो आते हैं मेरे अंदर, मुझे पहचाना कि नहीं? तुम कहाँ से, कौन? करीना कपूर का टीवी में, करीना कपूर। तो तुम खराब कैसे हो गए? नहीं, वो तो बंदे खराब कर देती है, मैं तो फिर टीवी हूँ। और सुनाओ ठीक हो? मैं क्या, अब कहाँ है करीना? वो नया टीवी लेने गई होगी, उसका क्या है, एक खराब हो गया, दूसरा तीसरा, उसको तो नए नए मॉडल लेने की आदत पड़ गई है टीवी के। वो ना करिश्मा दीदी ने, करिश्मा, वो बड़े अच्छे, उनके पास एक ही टीवी है, जब खराब हो जाता ना, देखना बंद कर देते, अपने आप ही ठीक हो जाता है। अभी हो गया था खराब, पीछे खराब हुआ था, देखना बंद कर दिया थोड़ी देर, अपने आप ठीक, अब देख रहे हैं। तुम्हें किसने खराब? मुझे अंकल जी ने, अंकल जी रणधीर कपूर अंकल नहीं है, उनके पापा रोज ऐसे चैनल चेंज करते, भी मेरी फिल्म लगी कहीं, बंदा पूछे बनाई कोई ऐसी फिल्म। आगे देखा एक और टीवी, मैं कहा टीवी जी आप, धर्मिंदर का टीवी है। तो आपको भी उसके परिवार? नहीं नहीं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं सारे, मुझे देखते रहते, कभी सन्नी आएगा लगाएगा, कभी बॉबी, कभी पापा जी, कभी ईशा, सारे मुझे इतना प्यार करते, फिल्में लेते ही नहीं, अब शूटिंग पे कोई नहीं जाता, मुझे बड़ा प्यार करते, फिल्में मिलती हैं, ये ना समझो कि फिल्में नहीं मिलती, देखते जाते, बड़ा प्यार करते मुझे। ओहो, मुझे देखते रहते सारा, बंद नहीं करते? करते हैं, जब राजू श्रीवास्तव का प्रोग्राम आए फिर बंद करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पिटारा लेकर एक बार फिर से आ रहे हैं द वन एंड ओनली राजू श्रीवास्तव। आजकल हमारे देश के न्यूज चैनल इतने आगे निकल गए हैं, न्यूज चैनल, कि अब ये लौट तो नहीं पाएंगे। पुराने जमाने में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कृष्ण जी के टाइम पे, राम भगवान के टाइम पे, अगर उस जमाने में अगर न्यूज चैनल होते तो क्या होता? सब कुछ टीवी पे आता, न्यूज में। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है पंचवटी के जंगल से, जहां पर एक महिला के नाक कान खुखरी से काट दिए गए हैं। इस महिला के नाक कान काटे गए हैं, बहुत ही अपने आप में एक नई घटना है, आपको सीधा लिए चलते हैं घटना स्थल, जहां हमारे संवाददाता दीपक मौजूद हैं। दीपक बताइए, इस महिला के नाक कान क्यों काटे गए हैं? अच्छा एक सेकंड, मैं ये लगा लूं ठीक से। हुआ ये था कि ये महिला वहां पर आई थी और वहां पर दोनों राजकुमार बैठे हुए थे, तो ये महिला उनको छेड़ने की कोशिश कर रही थी, छेड़ने लगी तो उसमें उनको बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने इसके खुखरी से नाक कान काट दिए हैं। तो अभी पता चला है कि मतलब पुलिस खुखरी ढूंढने के लिए आई थी, और पुलिस ने खुखरी ढूंढने के लिए सारे गटर नाले सीवर लाइन अंदर सब जगह पर खुखरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खुखरी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि खुखरी मिले ना मिले, सारे गटर साफ हो गए हैं। अब दीपक, आपको आपको पता चला ये महिला कौन है
और किस खानदान से ताल्लुक रखती है। हाँ, इसके बारे में पता चला, ये श्रीलंका की रहने वाली है और इसके भाई बहुत बड़े डॉन हैं। श्रीलंका में उनका बहुत बड़ा मतलब राज है और इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत क्रिमिनल है। इसके भाई लोग सारे माफिया और बड़े बाहुबली किस्म के लोग हैं। बड़े खतरनाक घर से महिला ताल्लुक रखती है। जब से यहाँ पर जानवरों को, जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को पता चला है ये महिला का बड़ा भाई डॉन है, यहाँ के सब जानवर लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया है, तो मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। आइए आपको अब लिए चलते हैं श्रीलंका, जहाँ पर ये महिला वहाँ की रहने वाली है। इसका नाम सूर्पनखा बताया गया है, तो इसके भाई के पास चलते हैं। विनोद, क्या उसके घर वालों किसी से बात हुई? हेलो, मेरे को तहाँ भेज दिया यार, अजीब किस्ती जदे यार, लंता में भेज दिया, तुम तो उधर बैठो यार, तभी तभी तुम भी निकला तो स्टूडियो से। हाँ भेजा यार, मेरे घबराहट हो रही है, मैं इधर आ गया हूँ, यहाँ पर दे दे, मेरे पीछे पांच छह राक्षस खड़े हैं। अरे ये तो दो ही बचे, ये दो को ये चुड़ैल खा रही है, उसने उसको खा लिया है, यहाँ पर घबराहट हो रही है। विनोद, आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि इनकी बहन के जो नाक काटे गए हैं, नाक कान सूर्पनखा के, तो उनकी आगे की क्या रणनीति है, वो क्या तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं पता करने कोशिश कर रहा हूँ, तिससे तो हूँ यार, लोग मार नहीं दे मुझे। यहाँ पर दो तीन राक्षस बल्लम भाला लेते मेरी तरफ आ रहे हैं, दो तीन तो मुझे मारने वाले थे। अच्छा, वो मैंने प्रेस का ताड दिखाया तो मुझे छोड़ दिया। आप सूर्पनखा के किसी भाई से बात करने की कोशिश करें। हाँ, यहाँ पर तेते नाम का आदमी लेटा हुआ है, ये के कौन है? तुम तरन लेटे हुए इनसे बात। हेलो भाई साहब, आपकी बहन तीन नातान ताट दी है, तो आप तो तैसा लदा उस पर, आप तो मतलब रिएक्शन ते है, ये तो सो रहे उठ नहीं रहे, लगातार सो रहे, तुम उतरन है सोए जा रहे हैं। अब मैं समझा कि लंता तो सोने ती लंता ते रहते हैं। विनोद, वो सब छोड़िए, आप रावण से बात करने की कोशिश कीजिए। रावण के आगे की क्या रणनीति, उनका आगे क्या प्लान है, उनसे बात करने की कोशिश की है। हाँ, वही तर रहा हूँ यार, तहाँ भेज दिया, यहाँ पर सब मरे वो भैंसे टंधे हुए हैं, यहाँ पर मुझे नाश्ते के लिए एक कटोरे में तो खून देते थे यार, कह रही सूप पी लो, मैं थून तभी पिया नहीं है ब्लड। हेलो, घबराहट लग रही यार, यहाँ पर चीखने की आवाज़ लग रहा, पीछे मर्डर हो रही है यार, अजीब सा माहौल है, कहाँ भेजा? हेलो लगता है हाँ रावण आ रहा है, तैमरा चालू कर, रावण आ रहा, रावण। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश, मैं लंकेश। आप धीरे बात करो, हमको डर लग रहा है। आपका नाम मालूम है, हम लोगों को नाम मालूम है। आप इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? आप तो नाम मालूम पड़ रहा है, ये आप तो अदल बदल में कौन थड़े आजू बाजू में? एक राक्षस बोला, मैं अटापट्टू। दूसरा बोला, मैं मलिंगा मलिंगा मलिंगा। हेलो भाई साहब, आप ऐसा करो, रावण जी मेरे तो मारना नहीं, आप त्या करो, आपके पांच सर दिख रहे, पांच दिख रहे, आप तो 10 मुंह है ना, आप 10 मुंह लगा लो ना प्लीज, मटके फ्रिज में रहते, पूरे पूरे 10 लगा लो, मैं शूटिंग करूंगा, इंडिया में तो माने दे नहीं, इसी से लगा दे बात करो प्लीज, मेरी नौकरी से सवाल है थोड़ा मेरे लिए। अच्छा, हेलो रावण जी, आप तो ये तब मालूम हुआ कि आपकी बहन थे नातन ताट दिए थे, आपकी बहन है सूर्पनखा, उससे नाक कान ताड़े थे, आपको कैसे मालूम पड़ा? मैं उस वक्त टीवी देख रहा था और तुम्हारे चैनल से मुझे पता चला कि मेरी प्यारी बहना सूर्पनखा के नाक कान काट दिए गए हैं, ये मुझे तुम्हारे चैनल से पता चला। अच्छा, ए सेकंड रावण जी, हेलो, आप देख सकते हैं, आप तो मालूम पड़ गया कि सबसे तेज चैनल हमारा चैनल है।
मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश। अच्छा सब सब जा रहा हूँ, आप अपनी बहन की प्लास्टिक सर्जरी करवा। थैंक यू। राजू हाजिर हो के इस टेलीविजन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अपने मनोरंजन का तड़का लगाने आ रहे हैं राजीव निगम। खुदी को करके बुलंद वो इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता अब उतरेगा कैसे। हमने कहा पहले सुना दो, नहीं राजू भैया आएंगे वापस फिर सुना देंगे। कोई कोई चीजें होती हैं ऐसी जो अच्छी लगती हैं। राजू भैया 1365 बार सुना चुके हैं और 1366 बार मैंने सुनाया है। तो जब सीरियल लंबे लंबे चलते तो लोग ऑब्जेक्शन क्यों लेते हैं भैया, पब्लिक पसंद कर रही है, मजा आ रहा है, चलने दो भाई, चलने दो, चलने दो। अब ये एक चैनल देखा उसमें नई नई महाभारत शुरू हुई है, तब हमको समझ में आया इसको बुद्धू बक्सा क्यों कहते हैं। इतना बुद्धू बनाया वो सीरियल में, उसका नाम ही कुछ कहानी वो महाभारत, ना तो उसमें कहानी है ना कैरेक्टर है ना कपड़े हैं, बाकी सब कुछ है। पहली बार ऐसी महाभारत देख रहा हूँ जिसमें भीम, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये जितने बड़े बड़े किरदार हैं सब डिजाइनर कपड़े पहन के घूम रहे। समझ में नहीं आ रहा किसका कहाँ से क्या छुपाना है, क्या दिखाना है, कौन भीम है, कौन गदा है, कहाँ घुटना है, कहाँ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा इसमें जो वेपन्स भी दिखाए गए हैं, गदा, धनुष बाण, ये भी बड़े मॉडर्न दिखाए गए हैं। स्टील प्लेटेड, सिल्वर कोटेड गदा, नुकीला नुकीला गदा, देख रहे हो नुकील नोक निकली है। समझ में नहीं आता है इस गदा से युद्ध किया जाता है या पीठ खुजाई जाती है यार। तो इतने सीरियल आ रहे, मैंने बताया कुछ कैरेक्टर ऐसे जो मुझे आज तक समझ में नहीं आते हैं। एक सीरियल में एक बुढ़िया आती है, सब लोग जानते होंगे, पता नहीं कितने साल से बुढ़िया आ रही है, उसके साथ में पैदा हुई औरतें दुई दुई बार बुढ़ी हुई के मर चुकी हैं। इतने हौसले बुलंद हैं इनके, फिर भी जिए चली जा रही है, अभी 1000-2000 एपिसोड और जीने की तमन्ना में घूम रही बुढ़िया। टीवी का सबसे बड़ा फंडा है टीआरपी। टीआरपी के लिए जिस चैनल को देखो, जिस प्रोग्राम को देखो, वही भटक रहा है। हो सकता है जो सास बहू के सीरियल आते हैं ना, जो बहू बहू होती है ना, दुपट्टा उपट्टा टांग करके सुबह तुलसी की पूजा करती हैं, इधर हार चढ़ाती हैं, व्रत रहती हैं, एक दिन घर में घुसे तो पता चला यही बड़ी बहू ये छोटे छोटे कपड़े पहन करके नाच मटव्वल कर रही है। पीछे से ससुर जी आ गए, बहू ये क्या हो रहा है साहब? नहीं वो मेरी गलती नहीं है, वो क्या है ना छोटे छोटे ऐसा मैडम ने कहा है कि टीआरपी आनी, टीआरपी बढ़ानी है तो कुछ ये सब करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा इसके लिए कर रही हूँ। अच्छा टीआरपी के लिए सब हो रहा है, ओके तो फिर बजाओ, मैं भी 2000 ठुमके लगा लेता हूँ भाई। बुढ़ऊ ठुमके लगाते लगाते लुढ़क गए और वो बेहोश पड़े। अचानक अपने आप एक डॉक्टर आ जाता है, पता नहीं कौन उसको फोन करता ना, तो किसी दिन फोन किया ना बुलाया, अपने आप आ जाता। ऐसा लगता है घर के पिछवाड़े बंधा रहता है, जैसे कोई आवाज आती है तुरंत आ जाता है स्ट्रेचर स्ट्रेचर टांग के। अच्छा कमाल की बात, ये जो डॉक्टर आता है ना, जो बुड्ढा गिरा उसको नहीं देखेगा, बाकी जितने 10 लोग खड़े सबको देखेगा, सबको देख डाला, बुड्ढा पड़ा हुआ है। लास्ट में बुड्ढे की नब्ज पकड़ के, बाकी घर वाले टेंशन में, डॉक्टर साहब ये बस तो जाएंगे ना? देखिए ये सब कुछ तो टीआरपी पे डिपेंड करता है, अगर इनके मरने से टीआरपी बढ़ने वाली तो इनको कोई नहीं बचा सकता। और टीवी में सबसे ज्यादा जो आजकल चारों तरफ छाए हुए रियलिटी शोज, हर चैनल पे कहीं ना कहीं कोई रियलिटी शो चल रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा बिजी वो लोग हो गए जो फिल्मों में थे, कभी कुछ करते थे, गाते बजाते थे, खाली हो गए, वो लोग यहाँ आ गए जज बन के। यहाँ पे एक लहरी साहब वहां पर हैं, अपना वन रूम किचन लेकर के कहीं भी पहुंच जाते हैं, ये बैठ के सुनेंगे। अच्छा इसे खत्म
कदमों को बुलाया। अच्छा गाया लेकिन तुम्हारा गान अंदर से निकला नहीं उतना अच्छा। तुमको अभी थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि तुम अंदर से गाना चाहिए। अब अंदर से क्या माइक उठा के पेट में घुसेड़ दूं मैं? देखो तुम जो गाई, जो तुम अच्छा अच्छा गा रही थी, तो तुम्हारी अल्फाज अच्छी नहीं थी। इसकी अल्फाज बड़ी अच्छी है। एक और मोहतर माँ है, वो भी कहीं ना कहीं जजमेंट देती रहती हैं। ये जजमेंट तो देती हैं, जजमेंट के साथ में मूवमेंट भी देती रहती हैं। देखिए आपका आपका डांस तो अच्छा था, वो चोली के पीछे क्या है? एक्चुअली आपने क्या है को अंदर से फील नहीं किया, थोड़ा सा फील करना चाहिए। ये तो पड़ोस में भी कहीं जाती है, पड़ोसी के बच्चा रो रहा होता है, वहाँ पे जा करके अपना योगदान दे करके आती हैं। देखो बहन ये क्या बच्चा रो रहा है ना, बच्चे को एक काम करो, ऐसा वन हाथ ऐसा करो, ये टू ऐसा बच्चे को ऊपर ले लो, वन इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेवन। हमें कुछ और हंसाने आ रहे हैं हमारे फेवरेट राजू श्रीवास्तव। महिलाओं के लिए विशेष रूप से सीरियल बने, सब महिलाएं इसे उसमें देख रही हैं, ध्यान दे रही हैं। मौसा ये वो आ रहे हैं, वो ऐसे मस्ती में आ रहे हैं कि सब पूरा घर भर दौड़ पड़ेगा, सब प्रणाम दंडवत सब लेट जाएंगे। वो आ रहे हैं, अरे राजून, सुनीता। हाँ मौसा जी, नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ मौसा जी, सीधे निकालिए सीधे स्ट्रीट। हाँ इसलिए जाइए, कुछ चाय पियेंगे, चाय पी कुछ पियेंगे, चाय वाय कुछ सीधे जाइए सीधे। हाँ लेफ्ट में किचन है, किचन देखो। हम वन टू तीन हम लोग, मौसा जी आप चार कप बना लीजिए चाय। टीवी का क्रेज पहले कितना था, शुरू शुरू जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आया और सिर्फ दिल्ली से प्रोग्राम आते थे, वो पहले गोला आता था, बहुत देर तक गर्म होता था टीवी, फिर गोला आता थी वहाँ चांद बिंदी वाले। खेती की बातें हो रही हैं, चौपाल की बातें हो रही हैं, अनाज को चूहों से कैसे बचाएं उस पर चर्चा हो रही, चौपाल में लोग बैठे हुए हैं, शहर के लोग भी ऐसे देख जिनके खेती से कोई संबंध नहीं है देख रहे हैं। हफ्ते में एक दिन पिक्चर आती थी संडे को, उसके लिए मंडे से तैयारी शुरू। चित्रहार के लिए जो क्रेज होता था, चित्रहार फिल्मी गाने आते थे, चित्रहार जैसे खत्म हुआ, दादाजी की अलग ही साइंस। भाई ये प्रोग्राम दिल्ली से आता है, इतनी दूर से तार आ रहा है, बीच में गंगा जी पड़ी, बीच में नदी पड़ी, बीच में नहर, सब पार करते हुए आ रहा है, पूरा आंधी तूफान, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ चल रहा है, हो सकता है तार में कौओं का पूरा ग्रुप बैठा हो, इसलिए खरबर खरबर कर रहा है। अच्छा साइंस इतने आगे निकल गई, एक स्क्रीन में काम ही नहीं चल रहा है, इतने में लगा दिया क्रिकेट, इतने में लगा दिया बैडमिंटन, इतने में न्यूज़ पढ़ रहा है एक आदमी, इधर गाने चल रहे हैं, इधर कोई फिल्म चल रही है, इधर तेलुगु फिल्म चल रही है, अब ये इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, इधर है, अब टीवी क्या कह रहा है, बहुत तरक्की कर लिया है, हमारी छाती में आठ आठ एक साथ लगाए हैं, आठों आठों के वॉल्यूम एक साथ खोलो तो बताएं। अच्छा जैसे टीवी बोलता है, शाम को चार बजे से छः बजे बीच थोड़ी सी राहत मिलती है, इतने में छोटंकी आ जाता है, वीडियो बक्सा लिए यूँ लाएगा, दो तार निकाले घुसा दिए, टीवी बोलता है
मैं सुबह से जो चलता हूँ फिर गर्म होता रहता हूँ, और जैसे माँ बाप सोए लड़के ने लैपटॉप के नीचे से दो तश्तरी निकाली। टीवी कह रहा है कि चलो ये जो कुछ कारस्तानी करेगा मेरे अंदर तो नहीं करेगा। इसके बगल में एक डब्बा रखा है, उसके मुंह के सामने तश्तरी खाली लिया। वो कितना भूखा है मालूम नहीं, खाली यूँ रखा उसने। अच्छा टीवी को मालूम नहीं कि जो नाच रहा वो आना इसी में, टीवी ऐसे देख रहा है कोई गेम वेम होगा। टीवी कहता है कि करता सभी बाजू वाला है और सारा ब्लेम मेरे ऊपर आता है, और ड्राइंग रूम में जो टेबल पड़ी हुई है, जो सोफा पड़ा हुआ है, कारस्तानी उसकी, और ये लोग सब घूरते हैं टीवी को। भाई साहब ये बदनामी मैं कई साल से झेल रहा हूँ, अपने ऊपर ये ब्लेम बरसों से ले रहा हूँ, देखना किसी दिन वायर टू वायर जो जुड़ा हुआ है ना, ऐसा कुछ करूँगा कि रात को 3 बजे वो तश्तरी निकाल ही नहीं पाएगा, वहीं जाम हो जाएगी। फिर पूरा मोहल्ला आएगा, बिल्डिंग का सेक्रेटरी आएगा, वॉचमैन आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, दादाजी आएंगे, सबके सामने वो तश्तरी निकाली जाएगी। उस दिन मैं गंगा नहा लूंगा। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।